नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो शमशेरा का द मोस्ट अवेटेड टीजर आ गया है और उस टीजर को देख के क्या लगा और क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। एक तो जो विसल बज रही है ना इसमें, वो बड़ी ही कमाल की है। वो आपको इस ट्रेलर को देखने के लिए, जो कि आने वाला है, उसके लिए प्रेरित करती। दूसरा, फिल्म में जो लुक्स हैं अलग अलग किरदारों के, जैसे संजय दत्त का एक लुक रिवील किया गया है और कुछ ग्लिम्सेस में अभी रणबीर कपूर का लुक दिखाया गया है, वो फिल्म की दुनिया की कल्पना के हिसाब से बेहद सटीक मुझे लग रहा है, बेहद दिलचस्प मुझे लग रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने फिल्में देखी हैं, या ये भी कहूँ कि लास्ट जो भारतीय एक बड़ी काल्पनिक फिल्म देखी है RRR, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करता हुआ ये टीजर मुझे लगा है। अभी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया गया कि क्या है, ये दिखाया गया है कि भाई कुछ लोग हैं जिनका मसीहा है रणबीर कपूर, शमशेरा जो इस किरदार को प्ले कर रहे हैं, कर्म से डकैत और धर्म से आज़ाद। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और भी कई फिल्में थी जिनका मुझे ख्याल आ रहा था इस ट्रेलर को देखते हुए, या कहूँ कि वेब सीरीज़ थी ऐसी जिनका ख्याल आ रहा था, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करूँ, जो जैसे उसका स्तर है ना एकदम, वैसे ही इस फिल्म की बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी लग रही थी। उसका स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि हिंदुस्तानी सिनेमा में जो स्टैंडर्ड है अब, वो काफ़ी ज़्यादा, ये ट्रेलर से मेरी इसके जो आने वाला ट्रेलर है अपेक्षाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं इस टीज़र को देखने के बाद। तो इस साल की सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है शमशेरा, और एक छोटे से ग्लिम्स में अभी तक तो ये अपनी पूरी दुनिया में या उस दुनिया को रचने में कामयाब हुआ है। जब ट्रेलर आएगा तो उसका रिव्यू भी करेंगे, उसकी बात भी करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा सफल होता है ट्रेलर उस बात को, उस कल्पना को या उस कहानी को रचने में जिसकी बात ये फिल्म करती है। धन्यवाद।